देखिए पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के लिए हमेशा से लकी रहा अनलकी नहीं रहा है, आप इस बात को समझ लीजिए। अगर पाकिस्तान नहीं होता ठीक है तो हिंदुस्तान की राजनीति नहीं होती। हमारे एक सुधीर चौधरी हैं, उनको जीडीपी यहाँ का मतलब नहीं है, वो पाकिस्तान के जीडीपी बताते हैं कि वहाँ का जीडीपी 1.25% है, ये है वो है। अरे भाई वो भी तो देखो मुल्क कितना बड़ा है, यहाँ पे पाकिस्तान से आधी राजनीति चलती है, आप इस बात को समझ लीजिए। और सुधीर चौधरी की तो पूरी मीडिया ही वहाँ से चलती है, पूरा उनका जो चैनल है वो सिर्फ उसी पे बेस्ड है, सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान देखिए आप मेरी बात पहले से समझ लीजिए कि जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हमने कोई रास्ता रोका ही नहीं था, चाहे वो कालिंदी कुंड से हो चाहे महामाया फ्लाईओवर से। तो ये जो मुश्किलें हो रही हैं, आप दिल्ली पुलिस से पूछे ना कि उन्होंने ये रास्ता क्यों डाइवर्ट करा, हमने तो कहा हमारा एरिया ये है मुश्किल से 500 मीटर का, हम इसमें बैठे हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, उन्होंने महामाया फ्लाईओवर बंद कर दिया, ये जयपुर वाला रास्ता बंद कर दिया, तो आप उनसे ये सवाल पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, ठीक है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कल कपिल मिश्रा को खुलेआम जंतर मंतर पर सम्मानित किया गया, इसलिए सम्मानित किए होंगे उनके विषैले भाषण से देश में दंगा भड़क रही है दिल्ली में, क्या इससे ये जो मामला हो रहा है इस पर आपकी कोई राय प्रतिक्रिया? देखिए मैं एक आम आदमी हूँ और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, मैं बस एक एक लाइन में बात बोलूँगा। जब एक रात में यहाँ के चीफ जस्टिस को, यहाँ के जो जस्टिस हैं आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, आप इस बात को समझिए। आप ताहिर हुसैन पे आपने केस लगा दिया, इससे जहाँ पे केस लगा दिया, और कपिल मिश्रा को आप सम्मानित कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। लेकिन मैं फिर भी एक लास्ट में एक बात कहूँगा कि ये हमारा जो कौम है ना, हमारी जो आवाम है वो उनके पास पेशेंस बहुत है, उन्हें आज भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, हमें आज भी उम्मीद है कि एक जस्टिस हमारे पास फिर खड़ा होगा हमारे साथ, और वो इस बात को कहेगा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। आज ना कल ये बात हमारी जीत जरूर होगी। नफरत आगे बढ़ सकती है लेकिन जीत नहीं सकती, ये तो इतिहास है। दो दिन पहले कानून मंत्री ने अमित शाह की बात बोली कि हम एक इंच नहीं हटेंगे दिल्ली में चाहे जो भी हो, खासकर ये इसलिए बात बोली गई क्योंकि दिल्ली में दंगा चल रहा था, उसके बाद उन्होंने ये बात बोली। देखिए मैं एक बात बताऊं, अमित शाह जी एक पोस्ट पे बैठे हैं, होम मिनिस्टर के पोस्ट, ठीक है, उनको ये बात तो पहली बात तो शोभा ही नहीं देती, ये लैंग्वेज उनको शोभा नहीं देती। एक आम आदमी बोले ना जो रिक्शा चलाता है ठेला चलाता है कि हम एक इंच नहीं हटेंगे, तो आप उसकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर, इंडिया का होम मिनिस्टर ये बात बोलता है। मैं आपसे कहता हूँ क्या कोई भी ऐसी बात है जो बातचीत से नहीं सॉल्व हो सकता, क्या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सलूशन नहीं है? हम यहाँ 78 दिन से बैठे हैं, क्या आपने ये सोचा कि कम से कम हम जाके उनसे बात तो करें कि क्या बातें हैं, क्या हमने उनको वोट नहीं दिया या हम हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है? हमारे साथ तो बायस हो रहा है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी आवाम है सबको एक छोटी सी उम्मीद जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को जरूर सुनेगी। और रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह और मोदी जी को ये बात कहना चाहते हैं कि हम शांति प्रिय हैं, हमको हमें शांति पसंद है, तो कम से कम एक बार उनका डेलीगेट आके हमसे बात करे, एक इंच और दो इंच ये सब तुच्छ राजनीति है, इनके पीछे ना पड़े प्लीज। सर भेदभाव क्यों हुआ? कपिल मिश्रा के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, ताहिर हुसैन ने सुबह दो दिन पहले उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी, हम लगातार पुलिस से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस जो है सुन नहीं रही है, उसके बाद उन पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया 302 का, वजह क्या है सर भेदभाव? देखिए अब अगर मैं इस बात का जवाब दे दूं तो हो सकता है आज रात को मुझे भी पुलिस उठा ले, तो मैं आपको एक नॉर्मली एक बात कहना चाहता हूँ कि यही है कि अगर आप गलत के खिलाफ बोल रहे हैं ठीक है तो आपको रातों रात उठा लिया जाएगा, रातों रात चेंज हो जाते हैं, रातों रात बोतलें रखी जाती हैं। कपिल मिश्रा का आप इतना बड़ा ढोंगी है कि जिसका कोई जवाब नहीं, पहले वो लोगों को भड़काता है फिर शांति मार्च निकालता है, आप इस बात को समझिए कि पहले तो तुम एक तो चोर हो, पहले तो तुमने चोरी किया फिर उसके बाद सामान लौटा दे, यूज़ करके सामान लौटा दे। और आपको पता होगा कि उस मार्च में एक जर्नलिस्ट को मारा भी गया है, उसने यही सवाल पूछा था और उसको मारा भी गया था। आप स्तर देखिए कि राजनीति का स्तर और हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारे देश में तो लगता ही नहीं कि डेमोक्रेटिक है, ये पूरा मोनार्की लगता है। अमित शाह, मोदी जी और कपिल मिश्रा के आसपास पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है, बस यही लग रहा है हमें, तो कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है, कुछ सही होने वाला है। रातों रात सर कैसे ट्रांसफ़र किया गया मुरलीधर को, क्योंकि वो हर चीज़ को समझ रहे थे, वो शाहीन बाग को समझ रहे थे, वो जामिया को समझ रहे थे, वो कन्हैया कुमार के ऊपर मुकदमा जो केजरीवाल ने खाज दिया उसको समझ रहे, इसलिए उसको रातों रात ट्रांसफ़र किया गया सर, वजह क्या सर? आप मेरी बात समझिए, रातों रात जब केजरीवाल बदल सकते हैं, जाके अमित शाह से मिल सकते हैं और अपने पूरे प्रोपेगेंडा को चेंज कर सकते हैं, तो ये एक
सीएम, एक सीएम जाके मोदी जी के पास बैठता है और उसके एजेंडा को लागू करता है, तो ये तो सिर्फ आपके एक सुप्रीम कोर्ट एक वकील हैं, ये एक हाई कोर्ट के वकील हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बात हमारे शाहीन बाग जामिया से रिलेटेड नहीं है, ये बात हमारे दलित को है। मैं फिर आपसे बार बार ये बात कहूँगा कि इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आवाज़ सुनने कोई ना कोई तो जरूर आएगा। जो लोग दंगा में सिर्फ पकड़ाए गए थे, जो दंगाई थे वो दिल्ली के नहीं थे, वो बाहर के थे, क्या ये प्री प्लानिंग थी क्या? हाँ बिल्कुल प्री प्लानिंग थी, और ये बात मैंने अभी भी बोला था आपको कि इस चीज़ को आप हिंदू मुसलमान से ना जोड़ें, क्योंकि वहाँ के जो लोकल हिंदूज हैं उन्होंने लोगों को बचाया है, वहाँ के जो लोकल मुस्लिम उन्होंने, ये सारा एजेंडा आरएसएस और बजरंग दल का है। और हमारे पास तो कई वीडियो शायद आपने देखा भी होगा, आपने चलाया भी होगा, ऑडियो भी वायरल हो रही है, तो ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है। कोई भी लोग जो इस संस्था से जुड़े नहीं हैं वो सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं, उन्हें कोई लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये आरएसएस वजन दंग वर्सेस हिंदुस्तान की बात है। सर दलित को भी टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, जो दलित हैं उसको भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो भी एनआरसी एनपीआर के दायरे में रहकर विरोध कर रहे हैं सरकार से। दलित तो आप समझिए आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले से दलित को हमेशा टारगेट किया जाता है, ठीक है। मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट की वजह से चांद मार्ग में जो प्रोटेस्ट हुआ, मुस्तफ़ाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसका ये आउटरेज है, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? आपने ये सोचा कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है? ये जितने लोग आपको देख रहे हैं, मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी है, इन लोगों ने अपना वक्त छोड़ा है, बच्चे हैं, आप बूढ़े, यहाँ क्यों हैं? सरकार को ये समझनी चाहिए, लोग अपना नुकसान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सरकार को ये समझनी चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस प्रोटेस्ट की वजह से ये हुआ है, और दलित हमारे साथ शुरू से है और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ उनके साथ भी होगा। मोदी जी बहुत बोल रहे हैं सर, लास्ट सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, विकास की गंगा सिर्फ भारत में ही है, ट्रंप को विकास दिखाने आए थे, एक बार बता दीजिए क्या सच में विकास हुआ है? देखिए आप, हुआ है तो किन लोगों का हुआ है, खुले दिल से। देखिए आप मेरी बात समझिए कि मोदी जी ने वाकई विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दिन में उन्होंने गुजरात में पूरी दीवार बना दी, इससे ज्यादा आपको विकास क्या चाहिए? आप समझिए इस बात को, जो चीज यहाँ पे 5 साल 10 साल में नहीं हुआ, उन्होंने एक दिन में पूरी गुजरात में एक पूरा दीवार बना दिया ट्रंप के लिए, और ट्रंप ने उन्हें क्या, अब क्या बताएं कि जिस लालच से उन्होंने किया, ट्रंप ने उनको वैसे ही नकार दिया कि हम तो कोई डील करने आए नहीं है। और विकास आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारी जो जीडीपी है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है, ठीक है। एक जो इंडिया है ना, इंडिया एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, एक नॉर्मली मैं एक बात कह रहा हूँ, आप आसाम में देखिए क्या हो रहा है, कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है, दिल्ली में ये जो चीज़ें हुई हैं 1984 के बाद पहली बार ये चीज़ें हुई हैं दिल्ली में, आज तक कभी दिल्ली में ये सब चीज़ें नहीं हुआ, मैंने जहाँ तक सुना है और मेरा जहाँ तक नॉलेज है। तो विकास, अब एक चीज़, विकास को तो इन्होंने बिल्कुल मोड़ दिया, विकास की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, विकास की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा एक दोस्त है, नॉन मुस्लिम है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, ठीक है, आज वो फ़ोन करके मुझसे ये कहता है कि अब तो तुम लोग को सबक ले लेनी चाहिए जाफराबाद से, ज़रा देखिए कि लेवल जो स्तर है सोचने का वो कितना गिर चुका है, लोगों के अंदर जहर भरा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ जहर, उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। जॉब, जब भी कोई जॉब की बात करे, आप राम मंदिर में फंसा दो, आप CA NRC में फंसा दो, NPR में फंसा दो, ये सारी एक प्रोपेगेंडा के तहत एक चल रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के लिए हमेशा से लकी रहा, अनलकी नहीं रहा, आप इस बात को समझ लीजिए। अगर पाकिस्तान नहीं होता, ठीक है, तो हिंदुस्तान की राजनीति नहीं होती। हमारे एक सुधीर चौधरी हैं, उनको GDP यहाँ का मतलब नहीं है, वो पाकिस्तान की GDP बताते हैं कि वहाँ का GDP 1.25% है, ये है वो है। अरे भाई वो भी तो देखो, वो मूल कितना बड़ा है, यहाँ पे पाकिस्तान से आधी राजनीति चलती है, आप इस बात को समझ लीजिए। और सुधीर चौधरी की तो पूरी मीडिया ही वहाँ से चलती है, पूरा उनका जो चैनल है वो सिर्फ उसी पे बेस्ड है, सिर्फ पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। तो मेरे हिसाब से जितने वहाँ के आवाम नहीं याद करते, उतने तो यहाँ के राजनीतिक याद करते हैं उसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और सवाल लास्ट है, शाहीन बाग की जो ये लड़ाई है, जामिया की लड़ाई है, चाहे देश में मुल्क में जितने भी शाहीन बाग हैं, इकलौता नहीं, जितने भी बिहार उत्तर प्रदेश जहाँ भी, ये लड़ाई सर कब तक चलेगी? देखिए हमारी जो मांग है और वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक चलेगी, और अगर कुछ होता है, देखिए शाहीन बाग जो है ना वो एक सोच हो गई है, ये एक सोच है, और सोच जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये शाहीन बाग आप ख़त्म करेंगे, एक और शाहीन बाग बनेगा, एक और शाहीन बाग बनेगा। लोगों के अंदर है ना लड़ने का एक जज्बा आ गया है कि अगर आप गलत करते हैं, सरकार को एक चीज़ तो पता लग गया है,
मैं बोलना भी चाहते हैं कि ये जो कौम है ना, ये एक जिंदा कौम है, ठीक है। हमें जहाँ लगा कि हमें इस चीज़, आपने राम मंदिर का फैसला दिया, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है आप कीजिए, लेकिन जहाँ हमें लगा कि यहाँ हमें तकलीफ हो रही है, हमें का मतलब हम सब हैं, हम मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, हम दलित की भी बात कर रहे हैं, और अभी भी जो लोग अपने घरों में बैठे हैं ना, जो नॉन मुस्लिम है, वो ये सोच रहे हैं कि वो सेफ है, नहीं, वो गलतफहमी में जी रहे हैं, वो अभी भी इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उन्हें भी ये चीज़ समझ में आएगा। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आसाम में आप देख लीजिए, 13 लाख नॉन मुस्लिम को बाहर निकाला गया, तो आप कम से कम उससे तो सबक लो। NRC एक आसाम में आपको संभाली नहीं गई, आप पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये कभी नहीं हो सकता, और हम देश बटने कभी नहीं देंगे। तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते नहीं है कि जो बैकवर्ड है, नीचे है, वो ऊपर उठे, उनकी ये सारी प्लानिंग है, क्या नाम आपका? मेरा नाम आसिफ है। पहली बार जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको क्लियरिफाई कर दूं कि आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा था। ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला बजरंग दल और RSS का है। खुलेआम पूरे चैनल पे ये चीज़ को दिखाया जा रहा है कि जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद में जो भी चीज़ हुआ, RSS और बजरंग दल के लोग थे उसमें। तो आप इसको हिंदू मुस्लिम बनाम मत दीजिए, वहाँ पे हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाई को बचाया है, ऐसी बहुत सी वीडियो हमारे पास आई हैं। तो इसको हम हिंदू मुस्लिम के नक्शे से नहीं दे सकते। ये वो लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनका कोई धर्म नहीं, आप इनसे मत जोड़ के देखिए। और जो हमारा संविधान है वो इनके वजह से नहीं टूट सकता, हमारा संविधान पे जो आस्था है वो हमेशा से ही मजबूत है और हमेशा ही रहेगा। ये नॉर्थ ईस्ट में जो भी कांड हुआ, लोग मारने वाले भी थे, लोग बचाने वाले भी थे, बचाने वाले लोग वहाँ ज़्यादा हैं मारने वाले से कम, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, संविधान हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में इस बात को जरूर समझेंगे कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, और ये भी कोई मुस्लिम बनाम नहीं है, मुस्लिम बनाम CA नहीं है, इस CA में सबके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और हमें पूरी उम्मीद है हमारे आवाम से, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को जरूर सुनेगी। तो प्लीज़ आप इस बात को ये मत कहें कि ये हिंदू मुस्लिम बनाम था, प्लीज़ मुझे बस आपसे ये सर मैं अब मेरी बात का जवाब सुनिए। जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सबसे पहले ये बात मोहन भागवत ने बोली थी, अगर मैं सही हूँ तो, सही हूँ मैं, और वो किसी एक पार्टी से हैं, आरएसएस से हैं, इसीलिए मैंने ये कहा था कि इस चीज़ को आप आरएसएस से जोड़ के देखिए, बजरंग दल से देखिए। आप एक आम हिंदू से पूछेंगे, जो आपके पास हैं, हमारे पाजी साहब हैं, ये कभी ये नहीं चाहते कि ये मुल्क बटे, क्योंकि अगर ये मुल्क बटता है, अगर हिंदुत्व आती है, हिंदुज्म आती है, तो कभी भी इस राष्ट्र का भला नहीं होगा। और जैसा मैं आपकी बात को ही काउंटर कर रहा हूँ, आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं, इसीलिए तो हम इसके खिलाफ हैं। मैंने वो जो बात बोला, मैं फिर उसमें आपको इंक्लूड कर रहा हूँ कि हिंदुत्व का बात सबसे पहले मोहन भागवत ने करी है, और भागवत एक आदेश से हैं या नहीं, आप ये बताइए। तो इसीलिए मैं उस बात को, मैं हिंदू मुस्लिम तो देख ही नहीं रहा। अगर आप हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं तो कुछ लोग, एक परेश वर्मा है, कपिल मिश्रा है, लेकिन और भी तो लोग हैं, अनुराग ठाकुर है, वो बोलते हैं गोली मारो सालों को, गद्दारों को, लेकिन और भी तो लोग हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, रागिनी है। तो मैं इसी बात को, आप सबको दोष नहीं दे सकते, और मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम, इसीलिए मैं इस बात को थोड़ा सा अलग करके अपना कहना चाह रहा हूँ कि जो बजरंग दल है और जो आरएसएस है, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो मुल्क है वो शांति का है, हम सब मिल के रहना चाहते हैं।